गोवा में कितने हो गए? 26। तेलंगाना में 11 है। चेन्नई में भी इतने ही हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। बिहार की भी खबरें हैं। ऑक्सीजन की आज भी जिस तरह से शॉर्टेज है पूरे देश में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जानें जा रही है वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं, इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पटना तक पहुंच गई है, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है। और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बातों अगर आपके पास कोई कमी है तो छुपाने की कोशिश मत करिए।